अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो मेरे ख्याल से हर एक SEO जितने भी टीचर हैं सबको करवानी चाहिए, और लेकिन ये करवाता कोई भी नहीं है। लेकिन अगर ये करवाई जाए तो इससे जो न्यू भाई SEOs हैं उनके अंदर एतमाद पैदा हो जाएगा। तो करना आप लोगों ने ये है, जो न्यू भाई SEOs हैं मतलब एक्सपर्ट नहीं है कीवर्ड रैंकिंग में, उन्होंने ये करना है कि आपने एक ऐसे कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेना है जिसके कोई ज़ीरो सर्च रिजल्ट्स हों। जैसे ये हो गया हाउ टू फाइंड ये जैसे कि रिज़ल्ट है, इसमें ज़ीरो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आप न्यू बाय बिगनर हैं तो आपको चाहिए कि एक इमेज बनाएं पेंट में। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते शुरू शुरू में, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन है कि वो इसे टेस्ट करें इस तरह। अब मैं यहाँ से न्यू ब्लॉग बनाऊंगा और इसको एक ब्रांड लेवल की डोमेन बनाते हैं। हाउ टू टेस्ट, या एक मिनट, टेस्टिंग वर्ल्ड टेस्ट इस तरह करके। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने बनानी है न्यू पोस्ट। पोस्ट में आपने वो सारी चीज़ें रखनी हैं जो एक ऑन पेज SEO के जितने भी कानून हैं वो सारे आपने फॉलो करने हैं। इसमें फॉर एग्जांपल ये आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने इस तरह करके रैंडम वर्ड 100 क्रिएट करने हैं अजीब अजीब से। इस तरह करके आपने ना 1000 वर्ड्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद आपने एक इमेज बनानी है पेंट के अंदर। इमेज के ऊपर लिख दें, ये लिख दें और इधर कुछ रैंडम सी लाइंस वगैरह लगा दें। इसका नेम अब आपने रखना है यही। अब आपने वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने इसका ऐड करना है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट में आएगा कीवर्ड। उसके बाद आपने इस एटलीस्ट 500 वर्ड्स का कर लें, वो भी काफ़ी होगा। अच्छा, इधर आपने अपना मेन कीवर्ड यूज़ करना है पहले 100 वर्ड्स में।
इस तरह करके फिर आपने इसे जो बाकी प्रोसीजर होता है साइट मैप वगैरह सबमिट करना और सर्च कंसोल में वेबसाइट को वेरीफाई करवाना, वो सारी चीज़ें करके आपने फिर देखना है कि आपकी आपने बेसिकली आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने इसे गूगल पे लेके आना है इस आर्टिकल को। ये एक किस्म की असाइनमेंट है उन लोगों के लिए जो न्यू बाई हैं SEO में। असल में इसको करने का मकसद ये है कि कुछ लोगों के अंदर डर होता है, मतलब जिन्होंने कभी कीवर्ड रैंक ना किया हो तो ये चीज़ अगर वो कर लें तो इससे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि उनका डर निकल जाएगा, मतलब वो अपने आप को इस काबिल समझेंगे कि मतलब वो कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं।